हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी है उसके अंदर हमने क्या कर रखा है कि राजस्थान जीके की फुल लेक्चर सीरीज चला रखी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके, वो घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके और अपना एग्ज़ाम निकाल सके। तो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ, जो लोग पहले से जानते हैं काफ़ी लोग, ये जो सीरीज़ है वो सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। चाहे आप राजस्थान लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, RS प्री दे रहे हो, पटवारी दे रहे हो, JEE दे रहे हो, AEE दे रहे हो, रीड दे रहे हो, लेक्चरर का दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम है, तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ हमारे चैनल स्टडी माई वे को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आज अपन बात करेंगे, अभी तक अपन ने राजस्थान जो जीके है उसके अंदर काफ़ी कछवाहा वंश जो आमेर के शासक थे वो पढ़ लिया है। अब अपन दोस्तों मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सीरीज अच्छी लगेगी, तो अब ध्यान से सुनते जाइए। अब अपन बात करेंगे दोस्तों मारवाड़ का राठौड़ वंश। सबसे पहले बात आती है मारवाड़। मारवाड़ अपन जो कहते हैं कि राजस्थान के अंदर कहते हैं ना कि मारवाड़ी लोग, तो मारवाड़ क्या है? मारवाड़ जो असली मारवाड़ है, जो जोधपुर का आसपास का इलाका है, जोधपुर, पाली, ये सब क्या कहलाता है? नागौर मारवाड़ कहलाता है। जैसे बोलते हैं ना कि मारवाड़ मारवाड़, तो ये है अपना मारवाड़। तो जोधपुर के जो आसपास का क्षेत्र है वो सब मारवाड़ में ही आता है। तो ये है अपना मारवाड़ का राठौड़। अब सबसे पहले बात करेंगे जो मारवाड़ के राठौड़ है, राठौड़ वंश की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए, तो अब उनको अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें गोपीनाथ शर्मा, जो राजस्थान के बहुत सारे उन्होंने अध्ययन किया और इतिहास के बारे में बताया। गोपीनाथ शर्मा ने राठौड़ों की उत्पत्ति किससे कही? राष्ट्रकूट वंश से कही, ठीक है। तो दोस्तों आयुब आप समझ रहे होंगे किसने कहा, गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि उत्पत्ति राष्ट्रकूट वंश से हुई, ठीक है। फिर बात कर GH ओझा, मतलब GH ओझा है ना, GH ओझा ने मारवाड़ के राठौड़ों को बदायूं, जो बदायूं यूपी का क्षेत्र है, वहाँ के राठौड़ों के वंशज माना, ठीक है। फिर बात करें अपन जोधपुर राजेरी ख्यात, जो है अपनी जो ये मेन है जोधपुर राजेरी ख्यात के अनुसार राठौड़ों को विश्वतमान के पुत्र वृहद बल की संतान बताया गया। फिर सब आप जानते ही हो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कर्नल जेम्स टोड जिनको माना जाता है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज, जो कन्नौज है ना, कन्नौज का इलाका, वहाँ से उठ के आया गया और बताया गया कि ये पाली में आए और वहीं से इसकी स्थापना हुई कन्नौज वंश से। तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ कन्नौज के गहड़वाल वंश से संबंधित है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही वैलिड मानते हैं अपन और इम्पॉर्टेंट भी है। तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार क्या है, मारवाड़ के राठौड़ कन्नौज के गहड़वाल वंश से संबंधित है। फिर बात करते हैं राठौड़ वंश महाकाव्य के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति भगवान के शिव के जो शीश होता है उस पर जो चंद्रमा होता है उससे हुई। तो ये क्या हुए, चंद्रवंशी हुए, ठीक है, चंद्र, तो ये हुए चंद्रवंशी। फिर बात करें अपन सदाशिव के ग्रंथ राज रत्नाकर के अनुसार इनको हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया। कौन से ग्रंथ के अनुसार? राज रत्नाकर, मतलब सदाशिव ने ग्रंथ लिखा, राज रत्नाकर के अनुसार इन्हें हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया। तो ये कुछ पॉइंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ, एक तो अपना गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा, GH ओझा ने क्या कहा, और कर्नल जेम्स टॉड, ये तीन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर आगे चलते हैं राठौड़ शब्द में से बना है जो कि दक्षिण की एक जाति है, कौन सी है, राष्ट्रकूट, मराठा, राष्ट्रकुल, या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बताया कि गोपीनाथ शर्मा ने राठौड़ों की उत्पत्ति किससे बताया, राष्ट्रकूट वंश से बताया, ठीक है दोस्तों। फिर अपन आगे चलते हैं, अब बात आती है कि जो इसका संस्थापक कौन हुआ है ना, कहाँ से शुरुआत हुई। तो अब मैं सबसे पहले इनके जो राजा हुए वो हुए राव सिहा, ठीक है, राव सिहा है ना। अगर इनका कार्यकाल माने तो 1240 से 73 का हुआ, ठीक है। राव सिहा जो पहले जो राजा हुए वो हुए राव सिहा, 1240 से 73 ईसा पूर्व, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ बातें हैं कि कर्नल जेम्स टॉड में
कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो कि अपन कर्नल जेम्स टॉड के जो अनुसार सिहा ने पाली को अपना केंद्र बनाया। ये क्या हुआ कि उठ के आए जो गहड़वाल वंश से ही इनको मेजरली माना जाता है कि कन्नौज के गहड़वाल वंश से उठ के आए और सॉरी बात करें कहाँ से उठ के आए, कन्नौज के गहड़वाल वंश से उठ के आए और इन्होंने जो पाली जो अपना इलाका है पाली मारवाड़ के अंदर ही है, आप सोजत से के पास में है पाली, वहाँ पे इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाया है ना, पाली को अपना केंद्र बनाया। और क्या किया, पालीवाल मतलब उधर की उधर जो जगह है वहाँ पे कौन रहते थे, पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, पालीवाल ब्राह्मण है ना, तो पालीवाल ब्राह्मणों पे क्या होते थे, अटैक होते रहते थे बाहर रह, क्योंकि ये सीमा पे था बिल्कुल, और इधर से जो अपना पाकिस्तान वाला इलाका है इधर से काफ़ी आक्रमण होते रहते थे वेस्ट से है ना पश्चिम से, तो उनके इस बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या काम किया, पालीवाल ब्राह्मणों की बाह्य आक्रमण से इनकी सुरक्षा की और वहाँ से उनको फिर वो टैक्स देने लग गए, इस तरह से उनकी स्थापना हुई, तो पाली को अपना केंद्र बनाया। फिर बात करते हैं सिहा ठीक है, फिर बात करते हैं अपने सिहा को राजस्थान में राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्हें कौन से वंश का संस्थापक माना जाता है, राजस्थान में राठौड़ वंश का। फिर बात करते हैं 1273 ईसा पूर्व में धोला चोतरा एक युद्ध हुआ, धोला चोतरा एक जगह है पाली के पास में, धोला चोतरा के युद्ध में मुस्लिम आक्रमणकारी के साथ युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ इस युद्ध, ठीक है, तो इधर से आक्रमणकारी था उसका, अब मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था उसका एग्जैक्ट नाम नहीं है, लेकिन बस ले वो मुस्लिम आक्रमणकारी था तो उसके साथ युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। फिर बात करते हैं इस युद्ध का लाखा झंवर का युद्ध भी क्या कहते हैं लाखा झंवर का युद्ध, ठीक है, किसको, धोला चोतरा के युद्ध जो कब हुआ 1237 किसके काल में, वो रावसिया सिहा की रानी पार्वती सोलंकी इसमें सती हुई थी, ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन है एक राजपूताना के राठौड़ वंश की पहली राजधानी क्या थी, अभी अपन ने पहली राजधानी बात करी क्या थी दोस्तों, पहली किसको केंद्र बनाया, पाली को, ठीक है ना, लेकिन राजधानी अभी अपन आगे पढ़ेंगे, जोधपुर नहीं थी बिल्कुल है ना, आमेर बिल्कुल नहीं है, बीकानेर नहीं है, तो इसका आंसर है मंडोर, अभी आप आगे पढ़ोगे भी, ठीक है। फिर बात करते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था कौन था, अभी मैंने बताया आपको राव सिहा, तो अपने क्वेश्चन भी बन रहे हैं इसी तरह से अपन आगे चलते रहेंगे। फिर बाद में बात करते हैं राव सिहा का पुत्र हुआ आसनाथ, कौन हुआ, आसनाथ, इसका काल माने 1273 से 91 ईसा पूर्व करा, ये किसका पुत्र था, राव सिहा का पुत्र था। इसने क्या किया, गुंदोज एक जगह है पाली में नामक स्थान पर अपनी सैनिक शक्ति को संग्रहित किया, मतलब कि इसने एक सेंटर बनाया गुंदोज को और वहाँ से प्रशासन करने लगा और काफ़ी हद तक अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया है ना, और संग्रहित किया मतलब एक जगह इकट्ठा किया, तो बहुत बड़ी बात होती है, तो राव आसनाथ उसके पुत्र थे राव सिहा के। फिर इसी के काल में भाटियों, ये जो अपना अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो ये जो इलाका है जैसल ये वाला जो इलाका है अपना जैसलमेर वाला, यहाँ पे कौन से शासक थे, भाटी और सांखला है ना, अब इन्होंने वहाँ पे अधिकार कर लिया तो इनको वहाँ से हटाने लग, मतलब इन्होंने उनकी चीज़ों को जीतते गए तो हटाते गए, तो अब क्या हुआ कि इन्होंने भाटी और सांखला के साथ इनका संघर्ष शुरू हो गया और आखिर तक इनका संघर्ष चलता ही रहा। तो अगर मैं बात करूँ इन्हीं के काल, किसके काल, राव आसनाथ के काल से भाटियों और सांखलाओं के साथ राठौड़ों का संघर्ष प्रारंभ हुआ, ठीक है दोस्तों, इतनी ही बात है अपने राव आसनाथ की। फिर एक दूहड़ करके एक राजा हुआ, इसकी कोई एग्जैक्ट काल नहीं पता, 1291 की एक बात है बस, ये किसका पुत्र था, राव आसनाथ का पुत्र था राव। फिर बात करते हैं दूहड़ ने खेड़ बाड़मेर को अपना प्रमुख केंद्र बनाया है ना, कहाँ को बनाया, बाड़मेर को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। इसने कर्नाटका है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका से अपनी कुल देवी चक्रेश्वरी माता या फिर जिनको नागणेची माता की मूर्ति लाकर बाड़मेर में नगाणा गांव में स्थापित करवाई। तो जो राठौड़ों की कुल देवी होती है उसको, वो कौन सी, नागणेची माता, उनको कहाँ से लेकर आया था, कर्नाटका से लेकर आया था, जिनको चक्रेश्वरी माता भी, और बाड़मेर में नगाणा गांव में स्थापित करवाया, ठीक है, ये दूहड़ की काल की बात है। फिर बाद में उनके बाद हुए मल्लीनाथ, फिर बीच में काफ़ी 14वीं शताब्दी का उनका काल आता है मल्लीनाथ का है ना।
मल्ली मल्ली नाथ की बात है। मल्ली नाथ का 14वीं शताब्दी का कोई काल नहीं एग्जैक्ट, लेकिन बस इतना ध्यान रखते हैं 14वीं शताब्दी। और ये आप सबको पता ही होगा मल्ली नाथ क्या लोक देवता के रूप में इन्हें माना जाता है। इनका वाहन सिहार है, आप कल्चर वगैरह में भी पढ़ोगे। मेला कब लगता है इनका? चैत्र कृष्ण की 11 से एक महीना लगता है, चैत्र कृष्ण शुक्ल की 11 से, तिलवाड़ा लूणी नदी के पास। इनकी रानी कौन थी? रूपा दे। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट आपको बात बता दिया, आप चाहे तो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। फिर बात करते हैं राव चूड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक हुए। इनका काल बिल्कुल अपन को पता है 1384 से 1423 ईसा पूर्व तक इनका काल रहा, राव चूड़ा राठौड़। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें ये वीरम देव के पुत्र और मल्लीनाथ के भतीजे थे। ठीक है, फिर बात करते हैं इसने इंदा प्रतिहार की पुत्री से विवाह किया और मंडोर को अपना केंद्र बनाया। तो दोस्तों जो मंडोर है जोधपुर के पास में, मंडोर को केंद्र किसने बनाया? सबसे पहली बार राव चूड़ा ने। इसने पुत्री से विवाह किया और मंडोर को अपना केंद्र बनाया। ठीक है, मंडोर, फिर बात करते हैं मंडोर पर अधिकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? राव चूड़ा था। इसी के काल में राठौड़ों में सामंत प्रथा, सामंत आप जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए एक मेन राजा है, फिर वो क्या करेगा, बहुत सारे एरिया हैं उसके अंडर में, तो हर एरिया का एक सामंत को वहाँ पे नियुक्त कर देगा, तो वो सामंती प्रथा होती है। तो सबसे पहले राठौड़ों में सामंत प्रथा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? राव चूड़ा राठौड़ से माना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे बात करते हैं कि राव चूड़ा की अन्य रानी चांद कंवरी, इनकी बहुत रानी थी चांद कंवरी ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। किसने करवाया चांद बावड़ी का निर्माण? इनकी रानी थी चांद कंवरी। किसकी रानी थी? राव चूड़ा राठौड़ की। ठीक है, फिर बात करते हैं भाटी और सांखलाओं से, तो इनका क्या बोलते हैं संघर्ष था ही, कहाँ से था? राव आसना, जो आसना था 1273 से 91 तक, वहीं से इनका चालू हो गया था भाटी और सांखलाओं शासकों के साथ। तो क्या किया भाटी और सांखला शासकों ने? धोखे से चूड़ा राठौड़ की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी किसकी? राव चूड़ा राठौड़ की। फिर बाद में उनके बाद एक शासक हुआ कान्हा। ठीक है, कान्हा का जो काल रहा 1423 से 27, ये मैंने इसमें लिखा नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो ही बातें हैं उसकी, लेकिन आपको मैं एक बार बता देता हूँ। यह भाटी और ये भी जो ये तो ये जो राजा था ये भी भाटी और सांखलाओं के साथ युद्ध, तो भाटी और सांखलाओं से ये भी युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। फिर है ना, और फिर क्या हुआ कि एक चीज़ मैं आपको राव चूड़ा राठौड़ में बताना भूल गया कि जो उनका पुत्र था, राव चूड़ा का पुत्र, दो पुत्र हुए थे, एक तो था रणमल है ना, और एक था कान्हा। ठीक है, तो कान्हा तो छोटा पुत्र था लेकिन रणमल बड़ा पुत्र था, लेकिन जो चूड़ा की रानी थी किशोर कंवरी के आग्रह पर बड़े पुत्र रणमल के स्थान पर छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। तो इससे क्या हुआ, रणमल नाराज हो गया और नाराज होकर कहाँ चला गया? मेवाड़। मेवाड़ क्यों चला गया? जो इनकी राव चूड़ा ने हंसाबाई से विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा से किया था, इसकी पुत्री थी हंसाबाई, तो हंसाबाई का विवाह किससे किया था? मेवाड़ के महाराणा लाखा से किया था। तो इसीलिए रणमल नाराज होकर कहाँ चला गया? मेवाड़ चला गया गया जहाँ महाराणा लाखा ने इसने कौन सी जागीर प्रदान की थी? धनला नामक जागीर प्रदान की थी। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो जो कान्हा शासक वीरगति को प्राप्त हो गया, तो इसके जो कान्हा के पुत्र थे, पुत्र था नरबद, क्या कौन था? नरबद और रणधीर के आग्रह पर रणमल राठौड़ को बुलाया गया कि प्लीज़ आप आइए और वापस जोधपुर के शासक नियुक्त हुई है ना। तो रणधीर के आग्रह पर कौन आया? रणमल राठौड़ ने मेवाड़ से आकर सत्ता ग्रहण की। ठीक है, फिर बाद में शासक चालू हुआ रणमल राठौड़। तो आपको समझ में आया होगा कैसे रणमल राठौड़ चालू। तो रणमल राठौड़ का अगर मैं काल जानूँ तो 38 तक तो मैंने अभी कान्हा का बताया था, फिर कौन हुआ अब 1427 से 38 तक अब काल चालू हुआ रणमल राठौड़ का। ठीक है, अब इनके कुछ फैक्ट्स हैं। रानी कोड़म दे, इसकी रानी थी रानी
कोड़म दे ने कोड़म देसर नगर बसाया और कोड़म देसर बावड़ी का निर्माण करवाया। ये दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, किसने, रानी कोड़म दे। फिर बात करते हैं रणमल महाराणा मोकल का संरक्षण भी बना। ये चीज़ मैं आपको मेवाड़ जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर डिटेल में बता दूंगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है जो रणमल थे वो महाराणा जो मोकल थे उनके वो बचपन में ही उनके जो पिताजी थे वो ख़त्म हो गए थे तो महाराणा मोकल का संरक्षण नियुक्त किया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं मारवाड़ का कौन सा राठौड़ शासक 1438 ईसा पूर्व तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता रहा। अभी मैंने आपको बताया कौन था, रणमल राठौड़, तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे, मंडोर को निम्न में से किस शासक ने राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये बात अब अपन करने वाले हैं, अब अपन बात करेंगे राव जोधा की, इसका आंसर है राव सॉरी मंडोर को तभी पढ़ाई है राव चूड़ा। ठीक है, तो राव चूड़ा ने इसको बनाया था। अब बात करते हैं अपन आगे राव जोधा, जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक है जोधपुर का, राव जोधा। तो राव जोधा का जो काल है 1438 से 89 तक है इसका काल। ये किसका पुत्र था, रणमल का पुत्र था। जोधा ने प्रारंभिक, अब हुआ क्या था कि जो मंडोर है, मंडोर रणमल राठौड़ को हत्या करवा दी गई थी जो कुंभा के, इन्होंने क्या होता रणमल राठौड़ का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव होने लगा था मेवाड़ में, तो मेवाड़ के जो शासकों ने दासी भारमली के माध्यम से रणमल की हत्या करवा दी तो मंडोर पर अधिकार हो गया था मेवाड़ का। ठीक है, तो मंडोर में रणमल राठौड़ की एक छत्री भी स्थित है। तो अब क्या हुआ, जोधा ने प्रारंभिक शासन कार्य कहाँ से किया, काहुनी नामक गाँव से किया, मंडोर से नहीं किया। तो ये बात आपको समझ में आई होगी क्यों वहाँ से किया। ठीक है, फिर बाद में अब ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा तो फिर बाद में फाइनली एक संधि हुई, आवल बावल की संधि। कौन सी हुई, आवल बावल की संधि 1453 में, और ये संधि किस किस के बीच में हुई, कुंभा के बीच में और जोधा के बीच में हुई, है ना। और किसके द्वारा हुई, हंसाबाई। हंसाबाई कौन थी, पुत्री थी राव चूड़ा की, और उसका विवाह किसके साथ किया था, महाराणा लाखा के साथ। ठीक है, इस संधि के अनुसार मेवाड़ और मारवाड़ का मध्य बिंदु सोजत को मान लिया गया। ये जो मध्य पॉइंट है इधर हो गया अपना मेवाड़ और इधर हो गया मारवाड़। ठीक है, और मेन जो बीच की जगह हो गई वो हो गई सोजत, तो सोजत को मध्य बिंदु मान लिया गया। ठीक है, तो आवल बावल की संधि, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आवल बावल की संधि कब हुई, 1453 में, किस किस के बीच में, कुंभा व जोधा के बीच में, किसके द्वारा करवाई, हंसाबाई के द्वारा, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य बिंदु कौन सा था, सोजत था। फिर बात करते हैं जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से किया। ठीक है, फिर बात करते हैं जोधा ने हड़बूजी सांकला के माध्यम से मंडोर पर अधिकार किया। जो हड़बूजी सांकला थे किनके माध्यम से मंडोर पर वापस अधिकार किया, हड़बूजी सांकला के माध्यम से मंडोर पर अधिकार किया। ठीक है, फिर बात करते हैं जोधा ने हड़बूजी को कौन सी बेंगटी गांव शासन दान में दिया। शासन का मतलब होता है कुछ चीज दान में देना। ठीक है, तो कौन सा गांव दान में दिया, हड़बूजी सांकला की, आप यहां से अपना सत्ता को संभालो और यहाँ पे सामंती करो। तो हड़बूजी सांकला बेंगटी गांव को शासन दान में दिया था। जोधा ने 1459 में चिड़ियाटुक पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ जो जोधपुर का किला है मेहरानगढ़, उसका निर्माण करवाया। किस पे करवाया, मेहरानगढ़, 1459 में चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। ठीक है, फिर 1459 में ही जोधपुर नगर बसाया गया अपने ही नाम पर, जोधा के नाम पर जोधपुर नगर बसाया गया। तो ये दोनों ही क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक थे, फिर इन्होंने अपना काफ़ी साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार के कारण सामंतों की संख्या में वृद्धि हुई। सामंती शासक तो अभी बताया था कहाँ से चालू हुआ था, सामंती शासक अपना कि सामंतों को जो प्रथा थी वो राव चूड़ा की ओर से थी। फिर आगे बात करते हैं गोपीनाथ
साम्राज्य विस्तार के कारण सामंतों में संख्या वृद्धि हुई। मारवाड़ में सामंतीय व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जोधा को माना जाता है। फिर बात करते हैं गोपीनाथ शर्मा ने जोधा को मारवाड़ के राठौड़ का वंश का वास्तविक संस्थापक माना। किसने? वास्तविक संस्थापक गोपीनाथ शर्मा ने। फिर बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणीची माता और चामुंडा माता के मंदिरों का निर्माण करवाया। किसने? राव जोधा ने। राव जोधा ने अपने बड़े पुत्र बीका के स्थान पर छोटे पुत्र सातल देव को उत्तराधिकारी घोषित किया, है ना। अपने जो बीका था, बीका के स्थान पर किसे? छोटे पुत्र सातल देव को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिससे बीका नाराज हो गया और फिर बीका जोधपुर छोड़ के चला गया था और उसने फिर बीकानेर में बीका राठौड़ वंश की स्थापना की थी। वो चीज़ अपन अलग से पढ़ेंगे, बीकानेर का राठौड़ वंश। तो ये बात थी अपने राव जोधा की, है ना। तो अब बात करते हैं किस मारवाड़ शासक के समय आवल बावल की संधि द्वारा मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किसके सीमा काल में? राव जोधा। तो क्वेश्चन भी हो गया, फिर आगे, ठीक है। तो यही अपने क्वेश्चंस थे आज के लिए दोस्तों। तो आई होप वीडियो आपको समझ में अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाले वीडियोस को देख सकें और घर बैठे एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।